अब फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइनांस की तरफ से आने वाला पॉलीहाइड्रा नेटवर्क का एयरड्रॉप, जिसमें आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो, क्योंकि 1 मिलियन पॉलीहाइड्रा टोकन का यहां पे जो है वो एयरड्रॉप अनाउंस किया गया है। तो इस वीडियो को डिटेल में एनालाइज करना, डिटेल में देखना, ताकि जो है वो आप इस एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के बाद अच्छा खासा अमाउंट्स को विन कर पाओ। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा इस QR कोड से, क्योंकि यहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। सेकंड चैनल टेकी 2.0 फॉलो कर लेना, जहां पे रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाके वॉच कर लो, जहां पे अमेजिंग एयरड्रॉप्स के बारे में आपको बताया है किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, बस नेटवर्क के बारे में, B2 नेटवर्क के बारे में, साथ ही साथ हमने जो है वो अभी रिसेंटली लेयर 0 के बारे में बात करी थी, और हमने जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एल्फ कॉइन के ऊपर भी बात करी थी। मैं यहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ, आप फॉलो नहीं करते हो तो मिस आउट कर लेते हो। और अभी रिसेंटली गैलियोस का भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से गैलियोस के एयरड्रॉप में आप पार्टिसिपेट करके अच्छे खासे अमाउंट को अर्न कर सकते हो। बातें बहुत होगी, सिंपली लेके चलता हूँ आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन के अंदर कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। सिंपली फ्रेंड्स, मैं हूँ यहाँ पे बाइनांस की एप्लीकेशन के अंदर। ये एयरड्रॉप आए हुए यहाँ पे अराउंड 3 से 4 दिन हो गए हैं, बट दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है ना, मार्केट में बहुत सारे एयरड्रॉप आते हैं, सबके ऊपर वीडियोस बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखो, सबसे पहले क्लियर मैं यहाँ पे करूँगा, जिसको भी मैविक के अंदर अपने लिक्विडिटी को निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करें, सिंपली यहाँ पे डिस्कवर के अंदर जाएं, मैविक के अंदर जाएं, ठीक है, यहाँ पे अपने ओपन को अपने डैप्स ओपन करें। यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलने वाला है, आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे स्टेक मैप के अंदर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे आपने जितना भी अमाउंट स्टेक किया है उसको मैनेज करने का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर जाना, यहाँ पे आपको आपकी पोजिशन के अंदर मैनेज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रिमूव एंड अनस्टेक लिक्विडिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपकी जो लिक्विडिटी जो आपने स्टेक करी थी मैविक के अंदर, वो यहां पे से रिमूव हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोगों की अब सॉल्व हो गई है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। जैसे कि मेरे वॉलेट के अंदर इतने टोकन्स हैं, $9 पड़े हुए हैं USDT और 10 USDC पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हमारा 1 मिलियन पॉलीहाइड्रा टोकन का एयरड्रॉप चल रहा है। इसको सबसे पहले इसका हम यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेंगे क्या है, ठीक है। जेट के ब्रिज का यहाँ पे टोकन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा पूरा एयरड्रॉप है वो है यहाँ पे 2 पार्ट में, जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है एनी अमाउंट ऑफ BNB USDT और ETH टोकन बिटवीन एनी 2 नेटवर्क ऑन जेट के ब्रिज, ठीक है। इससे समझ लीजिए कि भाई कोई भी 2 नेटवर्क के अंदर यहाँ पे जो है वो हमें जेट के ब्रिज के थ्रू यहाँ पे टोकन्स को ट्रांसफर करना है। दूसरा करना है ट्रांसफर एनी NFT बिटवीन एनी 2 नेटवर्क ऑन जेट के ब्रिज, कोई भी NFT को यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है जेट के ब्रिज के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर आपने एक अकाउंट, अगर मान लो आपने जो है वो एक बार टास्क कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे आपको पर अकाउंट 100 टोकन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आप पार्टिसिपेट में क्वालिफाई होते हो तो। पार्टिसिपेट में क्वालिफाई का मतलब, जैसे हमने अभी रिसेंटली एक एयरड्रॉप चल रहा था ना हमारा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वो एयरड्रॉप था, वूफी वाला जो हमारा एयरड्रॉप चला था ना, वूफी में हमने 2 टास्क कंप्लीट किए थे। 2 टास्क कंप्लीट करने के बजाय दोस्तों हमें यहाँ पे टोकन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। देखो, हमें टोकन्स वूफी के अंदर भी प्रोवाइड हो चुके हैं, ठीक है। $2 के टोकन प्रोवाइड हुए हैं, बहुत कम यहाँ पे हमें प्रोवाइड हुए हैं, एक अकाउंट के लिए 25 ही था, बट यहाँ पे उन लोगों ने आई डोंट नो क्या ये झमेला हो रखा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट के लिए आप अगर एक टास्क कंप्लीट करते हो तो आपके अकाउंट के लिए 100 टोकन्स यहाँ पे रख दिए जाएंगे, और 100 में से यहाँ पे जितने भी टोकन्स आपके लिए होंगे तो वो आपको दिखाई, मतलब एक टास्क जैसे ही आप कंप्लीट करते हो ना तो 100 टोकन्स यहाँ पे आपको दे दिए। मतलब अगर आप जो है वो एक मिशन कंप्लीट करते हो तो भाई यहाँ पे आप जो है वो 100 टोकन अर्न करने के लिए एलिजिबल हो, बट ये अप टू 100 है, आपको कितना भी मिल सकता है। यूजर कैन क्वालिफाई रिसीव मैक्सिमम 200 पॉलीहाइड्रा टोकन बाय कंप्लीटिंग ऑल द मिशंस। अगर आप दोनों की दोनों मिशंस कंप्लीट कर लेते हो तो 200 टोकन विन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पे आपको कितना मिलता है वो डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे आपने क्या क्या टास्क कंप्लीट किए हैं, कैसे कैसे टास्क कंप्लीट किए हैं, कितने अमाउंट के टास्क यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब टास्क कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको करना है यहाँ पे ट्रांसफर नाउ के अंदर, यहाँ पे जैसे आप ट्रांसफर नाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो सिंपली देखो यहाँ पे आपको टोकन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे आपके पास BNB है, BNB2 यहाँ पे OP BNB, ठीक है, या कॉम्बो के अंदर किसी भी चेन के अंदर आप कर सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास कितना है अराउंड 0.05 है ना, मैं करता हूँ यहाँ पे 0.03 के आसपास यहाँ पे इसको दो मिनट का टाइम लग गया। मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ, कन्फर्म हो रही है मेरी यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन, मैं करता हूँ और यहाँ पे इतना अमाउंट की नेटवर्क फ़ी लगने वाली है। ये आपके अकाउंट के अंदर ऑलरेडी होनी चाहिए, सबसे कम नेटवर्क फ़ी लगेगी आपकी
बीएनबी के अंदर ही, तो वही को उसी को यूज करना। बाकी इथेरियम के अंदर जाओगे तो ज्यादा नेटवर्क फी आपकी लग सकती है ब्रीजिंग के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर $9 के बीएनबी, मतलब 0.03 ओपी बीएनबी जो हमने यहाँ पे ब्रिज किया था वो रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दो बार ये चीज करनी है। अब वही टास्क हम रिवर्स कर लेंगे, ओपी बीएनबी को हम रिवर्स कर देंगे फिर से बीएनबी के अंदर। सिंपली फिर से ट्रांसफर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से फिर से आपको जो है वो बीएनबी की स्मार्ट चेन करनी है। वही चीज़ आपको करना है, जितने भी आपके पास बीएनबी हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास 0.0999 है, ये फी के रूप में भी काट लेगा। ट्रांसफर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इनसफिशियंट फंड बोल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे को लगता है इतना नहीं होगा, यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा 0.7। ठीक है, आप देखते हैं अब हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं सिंपली ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी भी इनसफिशियंट फंड बोल रहा है। अब मैं करता हूँ 0.2 के आसपास, 0.02 के आसपास। अब देखिए अब कंफर्मिंग के लिए यहाँ पे चला जाएगा, अब कोई भी इशू हमें यहाँ पे नहीं आएगा। इतना मेरी फी लग रही है, मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर से वही ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जाके देखते हैं हमारे दोनों टास्क जो है कंप्लीट, मतलब ये देखो ये सेंट हो चुका है, ये कंप्लीटेड है, ये अभी सेंट हो चुका है। ठीक है, अब मैं एक बार टास्क वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। वेरीफाई टास्क स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूँ, पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, यही दो चीज़ आपको करनी है। सेकंड टास्क क्या करना है, यहाँ पे आपको जेट के ब्रिज एनएफटी ट्रांसफर टास्क। ठीक है, आपके पास एनएफटी होनी चाहिए तो जिसको आप एनी टू नेटवर्क के अंदर ब्रिज करके ट्रांसफर कर पाओ। अगर आपके पास एनएफटी है इस वॉलेट के अंदर तो डेफिनेटली आप ये टास्क कर सकते हो, वरना एक तरीका है अगर आपके किसी भी वॉलेट के अंदर एनएफटी पड़ी हुई है तो आप जो है वो उसको यहाँ पे ट्रांसफर करो। ठीक है, वो चीज़ अगर आप नहीं कर सकते हो तो भाई ये टास्क आप लोगों के लिए नहीं है। वरना देखो यहाँ पे इनकी गैलरी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको स्टार लेजेंड का ऑप्शन देखने मिलेगा, एंटर लॉयल्टी प्लान का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी एनएफटी खरीदनी है, ये जो एनएफटी है भाई पॉलीहेड्रा के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली है, जहाँ पे $18 की तो फी ही लग जा रही है। मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे सामने फ़ी निकल के आ रही है $18 की निकल के आ रही है, और भाई इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपके पास एनएफटी है तो भाई यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आपके अकाउंट के अंदर अप टू 100 टोकन पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है। और सेकंड टास्क के लिए आपके पास एनएफटी है तो डेफिनेटली आप वो टास्क कंप्लीट करिए, जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाएगा। सिंपली ट्रांसफर के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वो जो भी नेटवर्क के थ्रू जो है उसको इंपोर्ट करना है तो आप जो है उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसको आप इंपोर्ट करने के बाद रिसीव अ ब्लॉकचेन, ठीक है, आपका हो जाएगा। उसके बाद आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो किसी अलग वॉलेट एड्रेस के अंदर, फिर वहाँ से यहाँ भेज दो और फिर यहाँ से किसी अदर नेटवर्क के थ्रू जो है उसको ट्रांसफर कर लो, डायरेक्टली जो है वो आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बट मेरे वॉलेट के अंदर अभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, ना ही इतना बड़ा जो है वो पड़ा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद इतना बड़ा नुकसान सह सकूँ। तो भाई नुकसान मतलब नुकसान ये है, मेरी फ़ी बहुत ज़्यादा लग जाएगी अगर मैं इथेरियम के थ्रू लग करता हूँ, ना ही मेरे वॉलेट के अंदर इतना बड़ा इथेरियम है। बट हाँ, अगर आपके पास है $200-$300 तो डेफिनेटली आप जो है वो टास्क कंप्लीट कर सकते हो और अपने प्रॉफिट्स को गेन कर सकते हो। तो यो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से पॉलीहाइड्रा का ये एयर ड्रॉप आपको पार्टिसिपेट करना है और किस तरीके से आप जो है इस एयर ड्रॉप के अंदर विन कर सकते हो। तो यो फ्रेंड्स, चैनल के अंदर नए हो अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।